गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैमुअल बेकेट, इनकी पैदाइश होती है, यानी बॉर्न होते हैं ये 13 अप्रैल 1906 में, यानी 13 अप्रैल 1906 में। इनका पूरा नाम है सैमुअल बार्कली बेकेट। जिस जगह पे पैदा होते हैं उस जगह का नाम है फॉक्स रॉक, जो डबलिन में है आयरलैंड के। इनकी मृत्यु होती है, यानी ये मरते हैं, डाइड होते हैं 22 दिसंबर 1989 में, मतलब 83 इयर्स तक ये इस दुनिया में रहे। और जिस जगह पे मरे वो जगह थी मॉन्ट पर्निस, जो पेरिस में है फ्रांस के। इनका एक पेन नेम है एंड्रयू वेलिस। इनका ऑक्यूपेशन यानी पेशा क्या था, ये एक नोबलिस्ट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं, पोएट रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर थे, एसेइस्ट भी थे, लिटरेरी ट्रांसलेटर भी थे। ये जिस लैंग्वेज को जानते थे वो था लैंग्वेज इंग्लिश और साथ ही साथ फ्रेंच। इनकी नेशनलिटी आयरिश थी, आयरलैंड के थे, सिटीजनशिप इनका आयरलैंड का था। इनकी जो एजुकेशन हुई थी पोट्रा रॉयल स्कूल में। अल्मा मेटर यानी जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था वो था ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन पे। ये ड्रामा में वर्क किए हैं, फिक्शन में, पोएट्री में, स्क्रीन प्ले में और पर्सनल कॉरेस्पोंडेंस में भी। इनके कुछ नोटेबल बॉक्स हैं जैसे कि मर्फी, वाट, मोलो, मेलनडाइज, द अननेमेबल, वेटिंग फॉर गॉडॉट, एंड गेम, क्रैप्स लास्ट स्टेप, हाउ इट इज, हैप्पी डेज। इनको दो नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं, कोरिक्स डी गौरी 1945 में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1969 में। जिस ईयर्स एक्टिव रहे, जिस ईयर्स ये काम किए, इनकी चर्चा हुई, वो ईयर था 1929 से लेकर 1989 तक। स्पॉज यानी इनकी पत्नी का नाम था सुजैन डेचवेक्स। डोमेंसिल, सुजैन डेचवेक्स डोमेंसिल, इनकी मैरिज होती है 1961 को और इनकी पत्नी जो है 1989 में इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। इस तरह से हमारा ये बायोग्राफी कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।